मुझे तो यकीन ही नहीं था कि ये वीडियो इतनी वायरल होगी। मेरी सोच से भी ज्यादा वीडियो वायरल हुई है ये। हाँ सदव यार, सुबह से इतनी कॉल्स आ रही हैं मुझे यूट्यूबर्स और चैनल्स की तरफ से कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग ना हो रहा हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, जैसे जंगल में आग फैलती है वैसे ही इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। अच्छा चलो, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बाद में देती हूँ, ठीक है? ओके बाय। पता था, मुझे पता था, तो मुझे यहीं मिलो। कैसी हो रमशा, आओ बैठो। अरे बैठो ना, बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? वैसे तुम्हें तो देख के मुझे यही लग रहा है कि तुम्हें कुछ ठंडा पीने की जरूरत है। दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा खून पी लूं मैं इस वक्त। डार्लिंग तुम बिलावजह गुस्सा कर रही हो, तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। सुना है अपने कफनान कासिम ने ये निकाह सबसे छिपाया हुआ था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी वजह से लोगों को तुम्हारे अफनान की शादी के बारे में पता चल गया। देखो रमशा, मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। ये मेरा और अफनान का पर्सनल मैटर था ना, तुम्हें इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और तुमने अपनी सस्ती शोहरत की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आई डोंट अंडरस्टैंड यार। सब छोड़ो, हम एक डील कर लेते हैं जिससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी। तो मुझे अपने और अफनान के कुछ पर्सनल डिटेल्स दो, कोई वीडियो या पिक्चर्स वगैरह। की बहुत अच्छी पेमेंट मिलेगी जो हम 50-50 रख लेंगे। और अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम सीधे सारी बात मुझ पर डाल देना और खुद मस्कीन बन जाना। मैं तो कहती हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना धोना भी करना। आजकल यही तो हो रहा है रमशा। तो चाह रहा कि तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूँ। कुछ शर्म गैरत नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? तुम अपनी दुनिया संवारने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। तुम जैसी लड़की ना फितना होती है, फितना। अभी के अभी मेरी और अफनान की सारी पिक्चर्स और वीडियोस सब डिलीट कर। अगर तुमने डिलीट ना की ना तो मैं तुम पे केस करती, समझी? डिलीट करो। हो गई है डिलीट। आज के बाद मेरे और अफगान के बीच में आने की कोशिश या हमारे मामला में इंटरफेयर किया तो अच्छा नहीं होगा। देखो, मैं जानता हूं मैंने जो किया उससे तुम्हारा बहुत दिल दुखा है, लेकिन लेकिन ऐसे रहने से क्या मिलेगा? एक बार मुझे बात करने का मौका तो दो।
क्या सुनाना चाहते हो तुम मुझे? सुनने के लिए बचा ही क्या है अफगान? तुम्हारी मोहब्बत के किससे सुन? या तुम्हारी शादी के किससे सुन? या शायद तुम अपनी मजबूरियां बताना चाहते हो मुझे? दूसरी शादी को मजबूरी का नाम देना तुम मर्दों की पुरानी आदत होती है। मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ अलीसा, ये भी मानता हूं कि मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे बात नहीं की। डिस्कशन नहीं की, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। ओह, इन्फॉर्म करना चाहते थे तुम मुझे? क्या समझते हो मैं तुम्हें वेलकम करती इस घर में, सजाती ये घर तुम्हारे लिए? एक्सेप्ट कर लेती तुम्हारी शादी? बोलो, ये समझ रहे हो तुम? नहीं, तुम्हें सब अफगान सब कुछ चल तो रहा था,